लगाते हैं कि आप जो केपीके में टेररिज्म इसको आप फाइनेंस कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान से लोग आते हैं आपकी हुकूमत उनको वहाँ पे फाइनेंस करती है और पाकिस्तान का अमन लोग आप लोग तबाह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब और रब के महबूब की हैं, झूठों पर रब की लानत होती है। अफगानिस्तान के साथ उन दिनों में जब एक ऐसी हुकूमत थी जो प्रो इंडिया थी, अशरफ गनी के दौर में, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे एग्जाम्पलरी रिलेशंस थे, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, नए रूट्स खोले गए, और तो छोड़ें अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके प्रोडक्ट, उनके एक्सपोर्ट्स को बाय रोड और एयर स्पेस भी दी गई, जबकि पुलवामा और ये सब कुछ हो चुका हुआ था। पाकिस्तान ने हर किस्म की मदद की और इमरान खान साहब ने क्या कहा अफगानिस्तान के हवाले से, जैसी हमारी हुकूमत आई पहला हमारा फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। रही बात रेफ्यूजीज, 14 लाख रेफ्यूजीज को बैंक अकाउंट्स दिए, सबसे असल चीज़ है क्या कि सेक्रेटरी जनरल यूएन यहाँ आया, 40-40 ईयर्स ऑफ होस्टिंग ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, पूरी दुनिया को पता चला कि अक्वामे आलम इसकी मिसाल नहीं मिलती जो अफगान महाजरीन के हवाले से पाकिस्तान ने ली हैं। अब बात रहती है कि इनके पास तो कोई सोच ही नहीं है, विजन ही है, ये तो अपनी लूट मार कर पैसा और केसेस ख़त्म करवाने आए थे, इनको पाकिस्तान से क्या लेना देना, क्या इनको पता है कि आम आदमी के घर पर क्या गुजरा, ड्रोन हमले किन किन हुकूमतों में हुए थे। आज सवाल ये है कि अफगानिस्तान को क्यों एंगेज नहीं कर रहे, क्यों उनसे बात नहीं कर रहे, ये एक नई सोच जो पनप रही है और वो क्या सोच है कि गैरों के इशारों पे पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तकसीम कराना, ये इस एजेंडा का हिस्सा है ये सारे लोग। आज सबसे पहले हुकूमतें आती जाती हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं बुलाया गया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को, क्यों कौम को साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं है, और क्या ये पीटीआई सिर्फ केपीके में, क्या जेयूआई के वोटर्स नहीं, क्या बाकी पार्टियों के वोटर्स नहीं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं, तो आज ये हुकूमत किधर है, क्यों नज़र नहीं आ रही ऑन ग्राउंड। और जहाँ तक 2611 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है जिस पर फेंसिंग हुई थी, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा लगा था, आज मेरा सवाल यह है कि क्या बॉर्डर सिक्योरिटी पीटीआई के पास है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर के पास है, सिंध के लिए रेंजर्स हैं, केपीके का फंड आपने रोक दिया, सारा कुछ रोक दिया, और तो फाटा मर्जेट जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आपके सेहत कार्ड हैं, बाकी हवालों से 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल जो खैबर पख्तूनख्वा को फाटा के मर्ज एरिया को जो पैसे मिलने थे, ये कौन रोके बैठा हुआ है, गिलगित के पैसे कौन रोके बैठा हुआ है, आज़ाद कश्मीर के पैसे कौन रोका बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जब उठता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि कौम को अभी पता होना चाहिए कि कौन दुश्मन है। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ब्लेम नहीं, गेम नहीं लगा रहे, लेकिन इंसान का किरदार, इंसान का अमल तमाम चीज़ें साबित करता है।